हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं ले आई हूँ कढ़ाई में बनी हुई बिना अंडे के केक की रेसिपी, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ ले ली हूँ 1 कटोरी पीसी हुई चीनी। आधा कटोरी चीनी को हम 1 कटोरी पीस कर तैयार कर लिए हैं। साथ ही इसमें हम आधा कटोरी रिफाइंड डाले हैं। तो सबसे पहले ली हूँ 1 गमला। गमला में डाल दूंगी रिफाइंड को। रिफाइंड को डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे पीसी हुई चीनी। चीनी और रिफाइंड को हम कम से कम 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से मिला देंगे, जब तक इसका क्रीमी क्रीमी ना दिखाई दे। इस तरह से लगातार आप 5 से 6 मिनट तक इसे फेंट लीजिए। तो ये देखिए, इस तरह से जब फेंट कर तैयार हो जाए तब समझिए कि ये हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास दूध। दूध डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। इसे 1 से 2 मिनट तक इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, ये केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनती है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी मैदा। जिस कटोरी से हम पीसी हुई चीनी लिए थे, उसी कटोरी से यहाँ 1 कटोरी मैदा ली हूँ। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच खाने वाला सोडा। इन दोनों को डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच दही। दही डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट तक फेंट लेंगे। तो इस तरह से आप फेंट लीजिए। तो ये देखिए, 5 से 6 मिनट फेंटने के बाद अब ये ऐसा है। इस तरह से जब हो जाए तब समझिए केक का बैटर पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 बूंद वनीला एसेंस का। तो यहाँ मैं वनीला एसेंस को डाल दी हूँ। साथ ही इसमें आप डालेंगे रंग बिरंगी टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी और वनीला एसेंस डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक फेंट लेंगे। तो 2 से 3 मिनट फेंटने के बाद ये तैयार हो गया है। तो दूसरी तरफ हम ले लिए हैं नॉर्मल एक केक टिन, जिसमें हम एक डाल दिए हैं बटर पेपर। बटर पेपर डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हमने जो केक का बैटर तैयार करके रखे थे, सभी को हम डाल देंगे। तो इस तरह से आप सभी को डाल लीजिए। सभी को डालने के बाद इसे 2 बार इस तरह से टप कर दीजिए। फिर इसमें डालिए थोड़ा सा ऊपर से टूटी फ्रूटी। तो फिर गैस पे हम रख दिए हैं कढ़ाही। कढ़ाही में हम डाल दिए हैं नमक। नमक को हम अच्छी तरह से गर्म किए हैं, उसी में हम एक स्टैंड डाल दिए हैं। हमने जो यहाँ केक का बैटर तैयार करके रखे थे, उसको हम इस तरह से सावधानी से डाल देंगे। तो मैं यहाँ इस तरह से डाल दी हूँ। और इसे ढक के छोड़ देंगे हम 40 से 45 मिनट तक लो फ्लेम पे। साफ लो फ्लेम पर इसे पकाइए। तो ये देखिए, दिखाते हैं आपको 40 मिनट के बाद हम। तो 40 मिनट के बाद अब ये ऐसा है। ये 4 से 5 मिनट तक और पकेंगे। तो इसे हम ढक के छोड़ देंगे 4 मिनट के लिए। तो आप टोटल इसमें 45 मिनट का यूज की हूँ मैं।
तो ये देखिए 45 मिनट के बाद केक पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जालीदार बना है। आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये केक की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट हमें ज़रूर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।